नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। जनपद अमरोहा के उद्योग नगरी गजरोला में नशे में धुत संदीप सैनी की फाजलपुर फाटक के पास नाले में गिरकर मौत हो गई। रात भर परिजन संदीप सैनी को ढूंढते रहे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद सुबह के वक्त परिजनों को संदीप सैनी की मौत की खबर मिली, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि उद्योग नगरी गजरोला में आज सुबह 35 वर्षीय संदीप सैनी का शव फाजलपुर रेलवे फाटक के पास नाले से निकाला गया। बताया जा रहा है कि संदीप सैनी शाम के समय नशे की हालत में धुत था। संदीप सैनी परिवार में ओम प्रकाश सैनी के बड़े पुत्र थे, वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। कुछ ही समय पहले नोएडा से अपने घर आए संदीप सैनी को शराब की लत थी। संदीप सैनी के दो बच्चे हैं, एक 7 साल का बड़ा बेटा व 5 साल की छोटी बेटी। संदीप सैनी गजरोला के अवंतिका मोहल्ले के रहने वाले हैं। शराब की लत से परेशान परिजनों ने संदीप सैनी को पूरी रात खोजने की कोशिश की, लेकिन संदीप सैनी का कोई पता नहीं लगा। लेकिन जब सुबह संदीप सैनी की मौत की खबर परिजनों को मिली तो परिजनों में भी कोहराम मच गया। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, अच्छा बताइए। मैं यहाँ आया था तो यहाँ बाहर निकाल कर गया रखा था, मैं देखा तो मैं तुरंत घर से लगाया बताना दादा को। अच्छा। दादा नाले में पड़े हुए मिले, पुलिस वालों बाहर निकाल रखा उन्होंने जी। अच्छा, ये दारू पीते थे कैसे? दारू तो नहीं पीते थे, परसों पी थी, कल तो नहीं पी इन्होंने। तो ये यहाँ पर कैसे पहुँचे? पता नहीं कैसे मिले, यहाँ ही मिले मुझे सुबह। नहीं कुछ तो मालूम होगा, ये दारू पीते थे क्या किस तरह से? कभी कभार पीते थे, मैं कहता रहा हूँ इस बात को, कभी कभार पीवे लेकिन रात नहीं पी रखी है, सुबह मुझे है मिले। ये परिवार में कौन कौन है इनके? मम्मी पापा और भैया है, बहन है। कितने बच्चे इनके? इनके दो लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की। और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।